हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कबाब। तो मैंने कबाबों के लिए जो है चॉपर में प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर डाला है, और अभी मैं इसमें कीमा भी डालूंगी और सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके चॉपर में कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। और दोस्तों, मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और कीमा भी डाल दिया है, और अभी हम इसको चॉप कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें और मसाला जात भी डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल स्वीडिश दावा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी जो है आगे तैयारी करते हैं कबाब की। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर और एक दही का चम्मच और भुने हुए चने जो हैं वो मैंने पीस के एक चम्मच डाला है। अब हम सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और ये मैं बना रही हूँ गोला कबाब। और फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने चॉपर में बिल्कुल इसे चॉप कर लिया है और अब मैं इसके बनाऊँगी कबाब। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और मैंने बीफ कीमा लिया था और भुने हुए चने मैंने इसलिए डाले थे, बाइंडिंग एजेंट था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोला कबाब की बजाय उन्हें सीख कबाब की शेप में बना लिया है। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अभी मैं जो है वो इन्हें फ्राई करूँगी और बहुत मज़े के बनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ कबाब और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं ऊपर लगाऊंगी ग्रिल ऑयल, ये जब ग्रिल करते हैं तो उसमें यूज़ होता है, मुझे ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है आप लगाएं या नहीं लगाएं। तभी हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे और फिर हम इन्हें खाएंगे। आप भी आ जाएं और आप मेरे चैनल स्वीडिश दावा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।